यहाँ से गुजरना मतलब खतरे से खाली नहीं है। हो जाता है कि घंटा गुजरना पड़ता है ट्रैफिक में, गाड़ी पलट जाती तो क्या ही रहे। चार महीने से ट्रैफिक घंटा ही नहीं भर रहा है, लोग रोड नहीं बनता है, खाली जीत जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। कितना घंटा है, कितना ट्रैफिक जाम होता है, क्या है गवर्नमेंट का काम है क्या? दोस्तों मीरा भाईंदर और गड्ढों का बहुत पुराना नाता है, और ये नाता किस तरीके से नजर आता है, मीरा भाईंदर के गड्ढे हमेशा बारिश में जब उजागर होते हैं तब पता चल जाता है कि नाता जो है वो कितना गहरा है और कितना अटूट है कि कभी टूटेगा नहीं। फिलहाल दहीसर टोल नाके से थोड़ी दूरी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस तरीके से वाहनों को निकलने में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस जा रही है, ऑटो रिक्शा जा रहे हैं, लोग स्कूटी चलाकर जा रहे हैं, किस तरीके से ये जो सड़क है अगर आप देखेंगे, मैं कैमरा पर्सन पृथ्वेश से कहना चाहूँगी जरा गड्ढे दिखाएं कि अगर आप दोस्तों इस सड़क के पार जाएंगे तो पूरा पेंगर पाड़ा का इलाका जो है वो पड़ता है, और उसके इतर इधर अगर आप आएंगे तो ये मीरा भाईंदर से दहीसर टोल नाका जाने वाला जो है पूरा रोड है। दहीसर टोल नाका थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है जहाँ की कुछ अलग समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों को देख सकते हैं आप कितनी मुश्किल से निकल रही है। जाहिर सी बात है इतने गड्ढों से गाड़ियां गुजरेंगी, इतने गड्ढों से अगर बाइक्स जो है वो गुजरेंगी तो टायर पंक्चर होने का भी डर रहेगा, और टायर पंक्चर होने का डर रहेगा तो जाहिर है एक्सीडेंट होने का भी डर रहेगा, जो कि अब कहीं ना कहीं देखे नजर यहाँ पर आ रहा है। ऑटो कितनी मुश्किल से गुजरते हैं यहाँ से, कितनी मुश्किल से यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, सोचिए यहाँ से जो स्कूल वैन्स होती है छोटे छोटे बच्चों की, वो भी इस समय 4:30-4:30 के करीब में अगर आप कहेंगे तो गुजर रही होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर ये उठता है कि इतने समय से दहीसर टोल नाके को लेकर जो समस्या अभी तक बनी हुई है उसका समाधान क्यों नहीं निकाला गया है। साफ सीधे तौर पर देखा जा सकता है ये जो पूरा हाईवे है दोस्तों, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसको कहा जा सकता है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यानी NHAI के अंतर्गत आने वाला ये हाईवे है, और इस पूरे मामले पे अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी जो है इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जाए तो महानगर पालिका का थोड़ा सा अगर समर्थन मिले तो ये जो पूरी सड़क है, ये जो पूरा हाईवे है नेशनल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसको बनाया जा सकता है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है दोस्तों। किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं है, दहीसर टोल नाका जैसा था वैसा है, लेकिन कब तक वैसा रहेगा इस पर बड़े नेतृत्व को समाधान निकालना चाहिए। अभी देखिए बस जा रही है यहाँ से, कितनी मुश्किलों से जा रही है, ये वैन जा रही है कितनी मुश्किलों से जा रही है, इसको समाधान इसको जरा आप देखिए कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। बाइक्स निकलती है यहाँ से, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, यहाँ से गुजरना मतलब खतरे से खाली नहीं है ये कहा जा सकता है। ये साफ सीधे तौर पर देखे नजर भी आ रहा है, इस सड़क से गुजरते हैं कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? अच्छा नहीं लग रहा है, खड्डा गिर गया पूरा, पूरा खड्डा गिर गया। रोज जाते हैं इसी सड़क से? हाँ रोज आते, बहुत तकलीफ, पूरा ट्रैफिक हो जाता है, एक एक घंटा गुजरना पड़ता है ट्रैफिक, जाम हो जाता है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और उनका यही कहना है कि जाम हो जाता है। अभी दोस्तों जिस वक्त मैं यहाँ पर हूँ अंधेरा नहीं हुआ है, यानी शाम का वक्त नहीं है, जब ऑफिस निकलने वाले लोग होते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब जैसे जैसे शाम होती चली जाती है उस वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है इस पूरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर नजर आने लगती है। लेकिन जाम देखिए होगा, और जाम के बाद अगर आप कहेंगे तो इस तरीके से जाम के साथ साथ लोगों का निकलना, यहीं से गुजरते हैं रोज, परेशानी होती है कि नहीं? परेशानी तो डेली का है, डेली का परेशानी होता है, ऐसी ट्रैफिक जाम गड्ढे उड्ढे सारा चीज, टायर वायर पंक्चर होने की भी समस्या है। अरे टायर गाड़ी पलट जाती तो टायर देख रहे हैं वहाँ पे जी, तो उनका कहना है कि चलिए पीछे शायद कोई बुला रहे हैं, यहाँ से गुजरने वाली जितनी गाड़ियां हैं समस्या होती है अंकल जी कि नहीं यहाँ से गुजरते हैं तो? अरे ट्रैफिक बहुत रहता है ना यहाँ पे, ट्रैफिक की वजह से कोई रिक्शा वाला इधर नहीं आता जल्दी,
ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है गड्ढों की वजह से। हाँ गड्ढे भी बहुत ज्यादा है इधर। और ये कब से देख रहे हैं यही? काफी दिन से, आजकल 3-4 महीने से ऐसे ही है। 3-4 महीने से ट्रैफिक गड्ढा ही नहीं भर रहा है लोग। गड्ढा हुआ है देखो पूरा रोड पे। तो आप लोग को टायर वायर पंक्चर होने की भी समस्या आती है? होएगी ना समस्या, टायर पंक्चर होता है ना जी। तो यहाँ से गुजरने वाले ऑटो चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, उनका कहना है कि आप टायर पंक्चर होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस गुजर रही है, देखिए एम्बुलेंस, आप जाहिर तौर पर ही समझ सकते हैं जब भी किसी जगह से एम्बुलेंस निकलती है दोस्तों उसको जाने की जगह दी जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत ही बहुत ज़रूरतमंद वाहन होता है जिसको जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। ऐसे में अगर वो भी ऐसी सड़कों से गुजरेगा तो आप इसको समझ सकते हैं कि हालत जो है वो क्या होगी। लोग जा रहे, अंकल जी परेशानी होती है कि नहीं यहाँ से? परेशानी जो है और वो कहीं ना कहीं साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है दोस्तों। दहीसर टोल नाका, इसकी परेशानी काफ़ी समय से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस पूरे इलाके में किस तरीके से गड्ढे हैं ये भी आपको दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों। इस पूरी समस्या पर समाधान कब तक निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल दहीसर टोल नाके से पहले मीरा भाईंदर के इस सड़क का, जिसको आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कहेंगे, इसकी इस हालत का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भैया टेम्पो वाले भैया खोलिए जरा, यहाँ से ही गुजरते हैं ना रोज? यहीं से निकलते हैं। कब से देख रहे हैं ऐसी हालत? ये तो हो गया कम से कम 3-4 महीना। और ऐसी हालत है तो? ऐसी हालत है बहुत बेकार है महाराष्ट्र में। हाँ रोड नहीं बनता है, खाली जीत जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते। हादसा होने का भी डर रहता होगा? हादसा होने का डर भी लगता है, सिंगल भी कभी कभी बंद हो जाते हैं, हॉलदार भी नहीं रहते हैं, पुलिस वाला भी नहीं रहते हैं। और टोल नाके पे पैसा पूरा लेते हैं? टोल नाके पे पैसा पूरा लेते हैं जी। तो ये समस्याएं हैं, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। उनका यही कहना है कि हादसे हो जाते हैं, और वो पूरे महाराष्ट्र की सड़कों के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ इस सड़क के बारे में बात नहीं कर रहे थे। ये तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जिसकी ये हालत ऐसी है दोस्तों। फिलहाल अगर इस दहीसर टोल नाके के पास वाली सड़क पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो हैरानी वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन जो है वो नींद से जाग नहीं रहा है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बेशक केंद्र के अंतर्गत आता हो, गड्ढा है, रुकिए गड्ढा है ना, बोल के जाइए क्या हुआ? कितना गड्ढा है, कितना ट्रैफिक जाम होता है, क्या है गवर्नमेंट का काम है क्या ये? कितने टाइम से इसी सड़क से गुजर रहे? 2 महीना हो गया इसी तरह से गुजर रहे। बस यही दिक्कत है, बस ट्रैफिक लगता है, गड्ढा जाम, गाड़ी खराब हो जाता है इसमें, ट्रैफिक जाम और गाड़ी जो है वो इसी में खराब हो जाती है, ये उनका कहना है। कैसा लग रहा है अंकल जी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छी सड़क है? अच्छी, बहुत अच्छा है सड़क, बहुत अच्छी सड़क है। थैंक यू सो मच जी। बहुत परेशान है। अरे बारिश के रास्ते बहुत खराब है, इसको सुधारने की कोशिश किया जाए, हम लोग जो है परेशान हो जाएंगे। हाँ बहुत परेशान है, बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान है। यहीं से गुजरते हैं रोज? रोज गुजरना यहीं से हमारा। बहुत परेशान है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुछ इसके लिए करे, हम लोग रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। टायर वायर पंक्चर हुआ होता? अरे टायर नहीं, ट्यूब ही जाता है डायरेक्ट, पूरा ट्यूब फट जाता है। अगर रिक्शे वालों की समस्या देखेंगे दोस्तों तो वाकई बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है सवारी लेंगे यहाँ से अगर मुंबई तक की तो इसी टोल नाके से गुजरना पड़ेगा, और जब इस टोल नाके से गुजरना पड़ेगा तो इन सड़क के गड्ढों का सामना भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। साथ ही इसकी ऐसी हालत पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB Live।